Work it. Hey guys, कैसे हो आप सब? So, आज मैं शेयर कर रही हूँ what I eat in a day. तो it's not कि जो एक regular day होता है मैं क्या खाती हूँ, it's with Healthify Me. तो Healthify Me मैंने काफ़ी time से join करा है और मेरा जैसे कि weight loss नहीं हो रहा था, fat loss नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने वो join करा ये app. बेसिकली अगर आपको नहीं पता Healthify Me, दैट इज़ एन ऐप जहाँ पे आपको कस्टमाइज डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान मिलते हैं. तो मैं दोनों फॉलो कर रही हूँ और मैंने 5 kgs वेट लूज़ करा है. तो आज जो मैं खा रही हूँ वो मैं शेयर करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ अराउंड 1300 कैलोरीज. और ये प्लान जो है मेरी डाइटिशियन ने मेरे लिए मतलब कस्टमाइज करा है. तो ऐसा नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है, बिकॉज हर एक का बॉडी टाइप, हर एक का स्टेमिना, हर एक का मेटाबॉलिज्म सब अलग होता है. तो जो मैं खा रही हूँ वो मैं शेयर करने वाली हूँ. डाइटिशियन ने फुल डे डाइट जो है उसमें ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग स्नैक है, देन देयर इज लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर है. तो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो प्री वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट में करती हूँ तो उससे पहले क्या खा के जाना है, और वर्कआउट के बाद आपका क्या ब्रेकफास्ट होने वाला है. तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठकर लूंगी ल्यूकवार्म लेमन वाटर, जिसमें जस्ट 3 कैलोरीज हैं. तो ये जो है ये हर मंथ चेंज होता रहता है. लास्ट मंथ जीरा वाटर था, देन अजवाइन वाटर था. तो ये सबसे पहले लूंगी और उसके बाद सोक्ड आलमंड लेने हैं. तो डाइटिशियन ने मुझे रेकमेंड करा है कि आप 6 आलमंड भिगो के रखे हुए खा सकते हैं, और जिनमें कैलोरीज हैं सिर्फ 47. और बहुत ही अच्छा ये फॉलिक एसिड, आयरन इसमें है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है. और एज अ प्री वर्कआउट स्नैक जो है वो एप्पल लेना है, और उसमें भी 5 स्लाइस लेने हैं. और अगेन एप्पल इज एंटीऑक्सीडेंट रिच और इसमें 50 कैलोरीज हैं. देयर इज ऑप्शन वेजिटेबल जूस आप ले सकते हो. तो समटाइम्स आई टेक एश गार्ड जूस, टोमेटो ककुम्बर जूस लेती हूँ, बट कई बार टाइम नहीं होता है तो मैं डे के किसी और टाइम में भी ले लेती हूँ, अराउंड 11 बजे ले लेती हूँ. तो जो वेजिटेबल जूस है आप यू नो टोमेटो का ले सकते हो, स्पिनच जूस ले सकते हो, सेलरी ले सकते हो, केल जूस ले सकते हो. देन उसके बाद मैं वर्कआउट जाती हूँ, और वर्कआउट के बाद में आई ईट प्रोटीन रिच डाइट. तो प्रोटीन रिच डाइट में यहाँ पे बॉइल्ड एग वाइट मुझे लेने हैं 3, और टोटल जितनी कैलोरीज हैं 51. और बॉइल्ड एग वाइट बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें. और उसके बाद जो मेरा मेन ब्रेकफास्ट है, नाउ ये जो एग्स लेने हैं या आप कोई भी प्रोटीन पाउडर लेते हो, कुछ भी प्रोटीन का सोर्स लेते हो वर्कआउट के बाद मसल्स को रिकवरी करने के लिए, वो विद इन 15 मिनट्स लेना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हो तो वो भी आपको एक्सरसाइज फिनिश होने के 15 मिनट के बीच में लेना चाहिए. तो इसके साथ आपके जो मसल्स ब्रेकआउट हुआ होता है या कुछ भी डैमेज हुआ होता है या आपकी मसल्स को रिपेयर करने के लिए, तो ये सब प्रोटीन जो है वो काम आता है. तो उसके बाद जो मेन ब्रेकफास्ट है उसमें मैं ले रही हूँ मूंग दाल चीला, और इसमें आप 2 चीला मेंशन करे हुए हैं, तो आप 1 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो. तो मैं 1 चीला खाने वाली हूँ जो कि ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज होने वाला है, और अगेन प्रोटीन रिच है. तो मेरी जो डाइट है वो प्रोटीन और फाइबर रिच है, कार्ब्स भी हैं. तो हमारे इंडियन डाइट में मोस्टली कार्ब होते ही हैं. दाल चीला के 1 चीला में आपको 7.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 2.7 ग्राम्स फैट मिलेगा, और 17.9 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलेंगे, और 2.6 ग्राम्स फाइबर है. तो 7:45 के करीब मैं ल्यूकवार्म वाटर, आलमंड और एप्पल खा के जाती हूँ. वर्कआउट के बाद 8 बजे मैं एग वाइट खाती हूँ, और उसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ जो भी होता है. और अराउंड 11 बजे मेरा मॉर्निंग स्नैक टाइम होता है, जिसमें मैं एक स्मॉल बनाना खाऊंगी. और बनाना दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें काफ़ी फॉलिक एसिड होता है, और जस्ट 55 कैलोरीज है. बनाना बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो आपको बनाना नहीं खाना, इट्स रियली गुड. और उसके बाद लंच टाइम है, तो लंच में आज मेरी डाइटिशियन ने ऑप्शन दी है कि आप राजमा खा सकते हो, बट मैं बना रही हूँ आज चना दाल प्लस लौकी की दाल. और इसके लिए मैंने चना दाल ली है, और साथ में मैंने लौकी की सब्जी ली है. तो इसको जस्ट प्रेशर कुक करना है विद बेसिक मसाला जो भी आप सॉल्ट हल्दी डाल करके बनाती हो. और उसके बाद मैं इसको तड़का दे दूंगी, और साथ में मैं एक मिक्स ग्रेन या आप वीट या बेसन रोटी ले सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा कर्ड लेना है. नाउ यहाँ पे हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं
जो पोर्शन साइज है उसको कंट्रोल करूं। तो हेल्दी फाई मी से मैंने यही सीखा है कि आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, सब कुछ खाओ बट एक लिमिट में। लंच में खा रही हूँ एक कटोरी चना दाल और लौकी की सब्जी जो मैंने बनाई है, और साथ में एक कटोरी मैं दही ले रही हूँ, और साथ में एक मैं बेसन और वीट की रोटी ले रही हूँ। और ये मेरा लंच है जो कि अराउंड 12:30 और 1 o'clock के बीच में होता है। और देन उसके बाद इवनिंग स्नैक में मैं ले रही हूँ थोड़े से वॉलनट्स, अराउंड 3 पीस लूँगी, और साथ में 1 glass छाछ का लूँगी। और छाछ जो है उसमें जिंक होता है, विटामिन ई होता है, और अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। छाछ गर्मी में बहुत ही अच्छा है। और वैसे ही जो वॉलनट्स हैं वो omega-3 उनमें काफ़ी होता है, इट्स रिच इन विटामिन ई, रिच इन जिंक। और ये अराउंड 4:35 o'clock के बीच में मैं लेती हूँ। देन उसके बाद डिनर है, तो डिनर में आज जो ऑप्शन है वो है चिकन सूप की। और चिकन सूप अगर आपको जैसे कि मैंने हेल्दी फाई मी डिटेल वीडियो करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेक करें। तो उसमें कि हेल्दी फाई मी ऐप में ऑप्शन है कि अगर आपका आज का डिनर कुछ और है तो आप उसको शफल कर सकते हो। अगर आपको चिकन सूप नहीं पीना है देन आप कुछ और ऑप्शन भी ले सकते हो। तो आज चिकन सूप है, तो आज मैं चिकन सूप पीने वाली हूँ एक बोल, और जिसमें ऑलमोस्ट 264 कैलोरीज हैं। कटोरी में आपको 7.6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, 5.6 ग्राम्स फैट मिलेगा, 7.7 ग्राम्स कार्ब्स हैं, और फाइबर भी इसमें 0.8 ग्राम्स हैं। और कैलोरीज 264 कैलोरीज हैं, आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, स्पिनच ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा डिनर है, दिस इज व्हाट आई ईट इन अ डे। अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 कैलोरीज हैं, और एक परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट है जो कि मेरी बॉडी को बहुत सूट करी है। आई एम श्योर कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सून, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।